पैदा हुआ पला बड़ा हटीली इलाके में, यहाँ सबको करनी थी पटीली हर नाके पे। सबसे हटकर सबसे कट्टर मुंह खुला तो सर पर पत्थर, सबसे खतरनाक बम्बई सत्तर नेज इज द बॉय इन द हाउस बॉय। ओके नेजी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नेजी, सबसे पहले जो आपका रैप आने वाला है उसके बारे में बात करते हैं, किसको फटके पड़ने वाले हैं? फटके पड़ने वाले उन लड़कों को जो बदतमीजी कर रहे हैं बाहर रस्तों पे, फटके पड़ने वाले उन लड़कों को जो माँ बाप की बात नहीं सुन रहे, फटके पड़ने वाले उन लड़कों को जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे गलत तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे, तो उन सबको पड़ने वाले फटके नेजी की तरफ से। ओके नेजी, क्या एक्सपीरियंस रहा इस रैप के लिए स्पेशली, और जो तीन रैप आपने बैक टू बैक निकाले हैं, तीनों आपकी लाइफ के ऊपर है और कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा तीनों को? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे ऐसा करना ही था। बहुत दिनों से मैं रुका हुआ था कि मैं अपने गाने रोक के रखा था, अब मैं रिलीज़ कर रहा हूँ तो एक साथ सभी रिलीज़ कर रहा हूँ। तो पहले मैंने रिलीज़ किया रुकता ना, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि मैं रुकने नहीं वाला हूँ और एक के बाद एक मेरे गाने आने वाले। दूसरा गाना मैंने रिलीज़ किया वहम, कि जो लोग मिसकंसेप्शन में थे, रियलिटी से दूर थे, उनको जगाने के लिए मैंने बोला वहम, वहम से बाहर निकल जाओ और अब जाग जाओ। तीसरा गाना मैंने रिलीज़ किया फटके, जो इस बारे में था कि नालायक लोगों को जगह पर लाने के लिए और उनको फटके देने के लिए। तो ये तीन गाने मैंने रिलीज़ किए जो मेरे ज़िंदगी के बहुत करीब है और मेरे ज़िंदगी की कहानी इसके बारे में। गली बॉय लोगों ने देखी थी, लोगों ने बहुत सारी बातें आपके बारे में पता की, लेकिन कुछ कुछ बातें हमारी अगर ऑडियंस को आप बताना चाहें कि गली बॉय से क्या इफेक्ट आया है आपकी लाइफ में, क्या चेंज? जी, मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत अगड़म बगड़म हो गया, सब कुछ चित्तर बित्तर हो गया, ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ जो पर्सनल स्टोरीज़ है, जो मेरी गर्लफ्रेंड की या मेरी मॉम की जो स्टोरी जो बताया गया, वो सब उसमें फिक्शनलाइज कर दिया गया है और उसमें सब ऐसे ही सेल करने के लिए मार्केट में उसको ऐसा बनाया गया, ड्रामेटिक बनाया गया। हालांकि हकीकत कुछ और है, हकीकत में मैं अलग तरीके का बंदा हूँ जैसा उसमें दिखाया गया। तो वो एक फिक्शनलाइज कैरेक्टर भी था जो था मुराद का, तो वो सिर्फ इंस्पायर हुआ है मुझसे और असली कहानी कुछ और है। रैप का जो माहौल चल रहा है अभी देश में, मतलब हिंदी रैपिंग को लेके बहुत ज़्यादा लोग आगे बढ़ रहे, पहले इंग्लिश में रैप सुना था हमने, लेकिन हिंदी की शुरुआत मैं कहूँगा आपसे ही हुई है, थोड़ा सा बताइए क्या इंस्पिरेशन था? जी, शुरुआती दिनों में जब मैं देखता था तो मैंने भी इंग्लिश में रैप करना शुरू किया था और मैं देख रहा था कि सीन में बहुत सारे लोग इंग्लिश में रैप कर रहे, तो मुझे वो रिलेट नहीं हो पाता था और मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो कमी है, इन लोग कर रहे हैं मेहनत लेकिन कुछ तो कमी है। तो फिर मैंने हिंदी में जिस स्टाइल में मैंने हिंदी में रैप करना शुरू किया तो लोग और कॉन्फिडेंट हो गए कि इस बंदे ने तो किया है तो अब मैं भी कर पाऊँगा, मैं भी कर सकता हूँ। तो जब मैंने शुरू किया तो और भी चार लोगों ने शुरू कर दिया और उस वजह से हमारी जनता भी बढ़ गई और हम रिलेट भी करने लगे, रिलेवेंट भी साउंड करने लगे देश की जनता को। फॉरेन में अभी आपने टूर किया था, कैसा रिस्पांस था वहाँ पे आपके रैप को लेके, थोड़ा सा बताइए कितना अपनाया उन लोगों ने हिंदी रैप? जी बिल्कुल, उन्होंने अपनाया हिंदी रैप को, उनको बहुत यूनिक लगा हमारा स्टाइल, जिस तरीके से हम रैप कर रहे थे, मशीन गन फ्लो, ये फ्लो वो फ्लो, अलग अलग फ्लो, तो उनको भाषा नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन माइक पे जो पकड़ थी मेरी, जो माइक पे तेज़ी थी, वो उनको रिलेट कर पा रहे थे, मेरे जज्बात को समझ पा रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से रिसीव किया हमें इंटरनेशनली, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में और भी यूके में, हर जगह। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस तरह से रिसीव किया है मुझे और आगे भी ऐसा करने के लिए मैं बहुत खुश रहूँगा कि मुझे अगर मौका मिले इंडिया को रिप्रेजेंट करने इंटरनेशनली। अगर रैपिंग की बात करें, कई रैपर्स ऐसे हैं जो मतलब अब्यूज़ करते हैं अपने रैप में या फिर एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे बहुत सारे रैपर्स हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, आप कैसे? जी मैं उनको यही जवाब, मैं स्टैंड आउट करता हूँ इन रैपर्स के भीड़ में से और ये जो मैंने गाना निकाला है फटके, ये उसी बारे में है कि तुम सुधर जाओ और तुम्हारी जो मेंटालिटी है, तुम्हारी मेंटालिटी को फटके मार रहा हूँ मैं, तुम्हारे सोचने के तरीके को फटके मार रहा हूँ मैं, कि तुम्हारे तुमको पता नहीं है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है और एक रैप सॉन्ग में क्या बोलना चाहिए, उसका असर क्या होगा हमारे यूथ को। तो ये सब जो सही से नहीं कर रहा है उनको मैं फटके मार रहा हूँ इस गाने के द्वारा। रुकताना के बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की थी, अब क्या आने वाला है, क्योंकि तीन गाने बैक टू बैक ऑलरेडी आ चुके हैं, और कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं नेजी के? अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, पूरी एल्बम आने वाली है। अभी मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ जो मेरे ज़िंदगी से बहुत करीब है, मेरे लाइफ स्टोरी के बारे में और जो चीज़ मेरे साथ नई नई हो रही है लाइफ में, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके मैंने एक एल्बम बनाया हूँ और जो हर एक ब्रांचेस को टच किया है, उसमें मैंने अपने लव अफेयर के बारे में बात की है, उसमें मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की है, तो वो एक तड़ाकेदार एल्बम बनाया है मैंने जो अगली पेशकश होगी नेजी टीवी के द्वारा। इसके अलावा नेजी, लास्टली लोग रुकताना को बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हैं, लेकिन अगर आपके आवाज़ में एक हो जाए
हमारी ऑडियंस के लिए? हाँ क्यों नहीं, मैं छोटा जी मेरा दिल बड़ा जी, नकली लिबास के रफाड़ दर्जी, मन करा जी करा मेरी मर्जी, तेरे रूप 50 व्यक्तित्व फर्जी, दम छुटा बन छुटा जो छुटा वो छुटा, रैप छुटा रज नहीं छुटा नहीं छुटे नहीं छुटा, रैप तेरा बेतुका बंद करे मतटा, मेहनत कर हर जगह डाल बेटा 100% बाहर निकल छोड़ने का फुल सब में रे रे ले, बंदा रे बंदी रे वह सब में जी रे ले, कोने में फोड़े को गैराज में ले रे ले, घोड़े में पैराशूट मस्क में बहरे ले, बम्बई के खड्डे में भर दोपहर रहने दे, बहुत भाई यहाँ पर लडामा लड़ रहने दे, खड्डे में कीचड़ और कीचड़ में पत्थर, खुद पहले छीटे नहीं बच्ची में हटकर, नहीं मैं रुकने नहीं वाला जाके कह दो उनसे, नहीं मैं थकने नहीं वाला एक के बाद एक। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच।